छह बज गए। मम्मी जी बस उठने ही वाली होंगी, जल्दी से चाय बना लेती हूँ। हाय मेरे ये जोड़ों के दर्द, ये बहू भी पता नहीं कहाँ है, अभी तक सुबह की चाय भी नहीं लेके आई। मम्मी जी ये चाय आ गई। महारानी अभी उठी होगी, चल रख दे वहीं पर, पी लूंगी मैं। सुन रिया को मत उठाना, सोई है वो देर से, मालूम नहीं है तुमको क्या, आई है वो अजमेर से। ठीक है मम्मी जी, नहीं उठाऊंगी। चल जा, अब दूसरे काम भी है। छी कितनी गंदी चाय बनाई है, कोई स्वाद नहीं है इसमें। कैसी बहू ले आई मैं, ढंग की एक कप चाय भी बना के नहीं पिला सकती। बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना, उठो बेटा। मामा तो स्कूल की छुट्टी है। ओह हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ मामा मुझे और सोने दो, नींद आ रही है। हाँ बेटा तुम सो जाओ, लेकिन बस थोड़ी देर। हाँ ठीक है मामा। हाँ ला रही हूँ रिया। अरे बहू जरा पानी तो लाना, कमरे में बैठकर सुनती रहती है गाना। नाश्ता कर लिया बेटा? नहीं मम्मा, अभी भाभी देंगी। क्या बहू नहीं लाई है अब तक? बहुत बड़ी है ये काम चोर, कैसे करके मैं उठूं, मेरा दुखता है जोड़ जोड़। अरे छोड़ो मम्मा, इतनी काम चोर है ना ये, इतनी निकम्मी है ना। कपड़े प्रेस करने को दिए मैंने, जला वला दे। जलाई देगी, उसे ढंग से करने का आता है कुछ? ये तो मैंने पता नहीं क्या पाप कर लिया, इसको बहू बना के ले आई मैं अपने घर पे। सही बोल रही हूँ मम्मा, मैं तो तंग आ गई हूँ अब इससे, काम चोर औरत। चलो मम्मा छोड़ो इसकी बातें, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ बेटा जाओ, वैसे भी आज तो तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। भाभी को मैंने कपड़े दिए थे प्रेस करने के लिए, अभी तक नहीं हुए, कब लाएंगी ये भाभी बताओ। मुझे पार्लर भी जाना, मुझे इतना लेट हो रहा है। आ गई महारानी, बड़ी जल्दी आ गई, क्या बात है थोड़ी लेट आती है। नहीं मुझे एक बात समझ नहीं आया, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? आपको पता भी है मुझे पार्लर भी जाना है अभी। वो रिया मैं, बस रहने दीजिए, आपके पास तो एक से एक बहाना होगा। लाइए कपड़े और जाइए यहाँ से। राजकुमारी लगती है बिल्कुल परी, पर हाँ बहू पर अपनी नजर रखना कड़ी। हाँ मम्मा मेरी नजर तो भाभी पे ही है। हाँ बेटा फिर तो ठीक है। पैरों में बहुत दर्द है बेटा। मम्मा मेरे होमवर्क करा दो। हाँ बेटा करा दे रही हूँ, बताओ क्या मिला होमवर्क। मम्मा ये एक बार मुझे पढ़ा दो। ये देखो बेटा। अरे बहू कहाँ है, इधर आ जल्दी। बेटा मैं भी थोड़ी देर में आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है मम्मा। लाओ मम्मा मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। नहीं बेटा तुम क्यों करोगी, ये बहू किस काम के लिए है? आखिर मैं सास किस बात की हूँ और तुम नंद किस बात की हो। हाँ ये भी बात सही है, और वो यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ थोड़ी तोड़ने आई है। हाँ बेटा तभी तो मैं उसे बुला रही हूँ और सारे काम उससे करवाती हूँ। मम्मा दादी बहुत बुरी है ना, पूरे दिन आपको डांटती रहती है। नहीं बेटा दादी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, जैसे आपसे गलती हो जाती है तो आपको मैं डांटती हूँ ना, तो वैसे ही जब भी मुझसे कभी गलती होती है तो दादी मुझे डांटती है, और वो डांट थोड़ी ना है, वो तो मुझे प्यार से समझाती है। ठीक है मम्मा आप जाओ मैं पढ़ लूंगा। देख ले बेटा अभी तक नहीं आई है, देख तेवर देख इसके। अरे बहू कौन सी गुफा में जाकर बैठी है जो तेरे कानों में आवाज नहीं जा रही। जी माँ जी। चल जल्दी आ पैर दबा, जान जा रही मेरी दर्द से, पता नहीं कहाँ मर गई थी ये। जी अभी दबाती हूँ।
हाथों में दम नहीं है क्या तेरे? इतना ठूस ठूस कर खाती है फिर भी अच्छे से पैर नहीं दबाती है। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती है। अच्छे से दबा। चल चल रहने दे, जाकर काम कर, बहुत काम है। तुझे पता है ना आज रिया को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। जी माँ जी। कोई भी गड़बड़ हुई ना आज तो देख लेना तेरा हाल मैं कैसा करूंगी, समझ आई? जी मम्मी जी, मैं समझ गई। और कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। हाँ चल ठीक है, जा। दादी दादी मुझे भी पीना होता। नहीं बेटा, ये बच्चे नहीं पीते, बड़े पीते। चलो जाओ। दादी मैं उठकर पीऊंगा। नहीं बेटा जाओ, बच्चे नहीं पीते। नहीं। इतनी जोर से बोलते हैं बड़ों से, हाँ? इतनी जोर से बोल रही है? सब बहू ने सिखाया होगा। बच्चों को ये सिखाती कि दादी से इतनी तेज आवाज में बात करो। देखो हंस रहा है, तमीज नाम की चीज नहीं है। बदतमीज। दादी। बहुत बदतमीज बच्चा हो गया है। सब इसकी माँ ने सिखाया। अच्छा खासा मेरा पोता था, इतना प्यार करता था मुझसे, और अब पता नहीं इसे क्या हो गया है, तब मुझसे जबान लड़ा रहा है। हाँ सफाई तो मैंने की थी, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं था। दिखा कैसे नहीं आपको, ढंग से कुछ काम किया आपने? डायमंड की नेकलेस थी वो, और वो ही खो दी। खैर आप तो बात करने भी गा रहे हो। बहन जी बिल्कुल आपने सही कहा। बहन जी आपकी बेटी ना मुझे मन को भा गई, बहुत पसंद आई है मुझे। जी हमारी बेटी है ही ऐसी। और आपको पता है अभी जो आपने ये नाश्ता खाया ना, ये मेरी रिया ने बनाया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अभी इतना टेस्टी खाना था। ये घर के सारे काम करती है, सारे काम यही करती है। मैं कहती हूँ कि बहू है, बहू भी कर देगी, लेकिन नहीं, इसे ही करना है सब कुछ। झूठी। ये बच्ची बहुत अच्छी है, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। बहन जी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। चलिए तो फिर बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, तो मैं चलती हूँ फिर। जी जी ठीक है, फिर चलिए। मम्मा मैं थक गई सुबह से तैयार होते होते, मैं काम करती हूँ, सोने चली जाती हूँ। हाँ बेटा सो जाओ, आराम कर लो थोड़ा। वैसे भी इतना भारी पहन रखा था ना, ये सब उतार लो और हल्के कपड़े पहन लो, जाओ। ऐसे सो जाती हूँ, बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे तो। बहू मेरी चाय लाओ। नहीं भाभी। भाभी मेरे कपड़े कहाँ हैं? बहू पानी लेकर आओ। दे रही हूँ भाभी। कहाँ मर गई बहू? बहू भाभी भाभी खाना तो बनाओ। क्या हो गया? मम्मा के पास जाती हूँ। मम्मा मैंने बहुत बुरा सपना देखा। बेटा क्या देखा तुमने सपने में? मम्मा मैंने देखा था मुझे। मम्मा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने भाभी के साथ बहुत बुरा किया है। हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो हम दोनों तो बहुत बुरा कर रहे थे उसके साथ। शायद तुम भी अपने ससुराल जाती तो तुम्हें भी सताती तुम्हारी सास। हमने तो बहू को बहुत सताया। चलो बेटा बहू से माफी मांग लेते हैं। मम्मा के जन्म में होंगे भाभी, चलो जल्दी से माफी मांग लेते हैं। हाँ बेटा। बहू। जी माँ जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा से और रिया से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया। आप माफी मत मांगी, क्या हो गया? हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं मम्मी जी आप माफी मत मांगी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आप मुझसे बड़ी हैं। नहीं बेटा तुम चुप रहो, मुझे आज पता चल रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती की। चलिए मम्मी जी अब इन बातों को छोड़िए, मैं ना इसी बात पे आप लोगों के लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। नहीं अब तुम कोई काम नहीं करोगी, आज से तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो।
आज से मैं और रिया तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ भाभी मैं करूँगी। चलो बेटा अब तुम जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रिया जाओ भाभी को ले जाओ। नहीं मम्मी जी मैं बना लूंगी, रिया रहने दो। चलो बेटा भाभी को लेकर जाओ, मैं चाय बनाती हूँ, मैं बनाऊंगी आज चाय। नहीं भाभी आज आपकी कुछ नहीं चलेगी। अरे एक बात बोलूं तो कहूं, दोनों के बिना अब मैं ना रहूं। आप भी करना दोनों से प्यार, बेटी हो या बहू। चलिए मैं जाती हूँ सबके लिए चाय बना लेती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा, जब भी हमारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया से भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और इस रूप हम एम करते हैं 1000 लाइक्स। तो अब हम दोनों मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।